आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। ये साफ दिखता है असम के लोग विकास के साथ हैं, असम के लोग स्थिरता के साथ हैं, असम के लोग शांति, भाईचारा, सद्भाव, एकता के साथ है। ये एनडीए सरकार के प्रति सद्भावना का असर है कि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असम के तेज विकास के लिए हम सभी का मिलकर काम करना जरूरी है। मिलकर काम करते और करते करते हुए ही हम बोड़ोभा रुपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण, सतीश चंद्र बासु मतारी, महावीर चिलाराय, ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुष महान संतानों ने इस क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा कर पाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है, असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है, नौजवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है। आप बरसों से चाहते थे कि यहां तेजी से पुल बने, सड़कें बने, आपका कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए। ये काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। बीते 5 सालों में भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज ऐसे देश के सबसे बड़े सेतुओं की पहचान असम को मिली है। इस समय भी असम में करीब आधा दर्जन बड़े पुलों पर काम चल रहा है। बीते 70 साल में असम में जितनी ग्रामीण सड़कें बनी उससे भी ज्यादा सड़कें डबल इंजन के एनडीए सरकार ने असम में बनाई है। बीते 5 साल में असम में सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है या फिर उनका दोहरीकरण किया गया है। एक तरफ जहां गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ धुबरी में रूपसी एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां जहां कनेक्टिविटी सुधारने की जरूरत है एक एक करके हर क्षेत्र में नए काम शुरू किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र देश विदेश के साथ व्यापार का बड़ा सेंटर बने इसके लिए बोगई गांव के जोगी गोपा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। बोगई गांव रिफाइनरी का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण भी तेजी से जारी है। ये सारे काम असम के नौजवानों के लिए नई नौकरियां बना रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बल दे रहे हैं। यही नए असम आत्मनिर्भर असम का आधार है। आज पूरा असम ये मानता है कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए,
प्रगति के इस राह को बरकरार रखने के लिए एनडीए सरकार बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, साथियों, हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए, एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दें, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करें, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं, तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है, वो जहां जाए वहां वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कोई तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स आए हैं, वो जरा उस हमारे साथी की मदद करें। यहां का कोई अपना बंधु पानी के अभाव में शायद उसको तकलीफ हुई है। भाइयों बहनों, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं, समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं, विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। असम के लोग आज देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी नीति में भी, इतना ही नहीं हमारी नियत में भी है। गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। गैस कनेक्शन मिला, कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला, सभी को मिला। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, किसान छोटा हो या बड़ा हो, शहर के नजदीक हो या दूर, आदिवासियों के बीच में, जंगल में हो, कोई भेदभाव नहीं, सबको दिया। यही तो हमारा काम है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भी हमने, कोई भेदभाव नहीं किया। वोट बैंक वाले को मिलेगा, वोट बैंक वाले नहीं है उनको नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखे को मिलेगा, अनपढ़ को नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। जो कैटेगरी तय की सबको मिलेगा, यही हमारे सिद्धांत है। राजनीति से परे राष्ट्र नीति के लिए जीने वाले हम लोग हैं, हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जिंदगी खपाने वाले लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान बैंक खाते में मदद पहुंचानी हो या मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो, हर वर्ग की गरीब बहनों को कोई भेदभाव किए बिना हर किसी को पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं रखी है। अरुणोदय योजना का लाभ भी हर वर्ग, हर जनजाति की बहनों को मिला है। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी जरूरतों, आपकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पहली बार देश में 100 से ज्यादा ऐसे जिलों पर नई ताकत से काम हो रहा है,
जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, ये जिले अब विकास के लिए आकांक्षी है। बक्सा और बारपेटा सहित असम के 7 जिले इसमें शामिल है। इसमें भी अधिकतर लोअर असम में है। इन जिलों में बच्चों को पोषण, नौजवानों की शिक्षा, गरीब के स्वास्थ्य पर विशेष काम किया जा रहा है। साथियों, एनडीए सरकार मानती है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का विकास भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। इसी सद्भावना का परिणाम है कि लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक बोडो एकॉर्ड वहां तक हम पहुंच पाए। अनेक माताओं के आंसू पहुंचने, अनेक बहनों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया है। मैं जब पहले कार्यक्रम में आया था, इतनी बड़ी तादाद में तब से लेकर मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आती है। तो मैंने यहां कुछ जो विश्लेषण करने वाले लोग थे, हमारे कार्यकर्ता नहीं, बाहर के लोग, उनको मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ये पॉलिटिकल सभा में इतनी मात्रा में क्यों आती है। उन्होंने मुझे जो बताया, मेरे लिए सचमुच बहुत मन को सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो भाई, हर मां को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो एकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हम हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है, माताएं बहने, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है, और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई हैं, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार बरसों पुरानी समस्याओं के शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा। साथियों, यहां टूरिज्म के लिए, टूरिज्म आधारित रोजगार के लिए यहां बहुत स्कोप है। आपके पास पहले यहां मानस नेशनल पार्क, बोगामती, मोइना पुखरी,
मानस सौसी खोंगोखोर ऐसे अनेक पर्यटक स्थल है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहां की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाइयों और बहनों, यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबत के अभाव में रखा, मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की इस विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों, मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोडमैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया है। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी लोअर असम की है, आप सबकी है। महाजोत के महाजूट को आपको सिरे से नकारते चलना है। जिस तरह पहले 2 चरणों में आपने बीजेपी की एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय सुनिश्चित की है, वैसे ही आपको तीसरे चरण में भी करना है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है, इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं। मेरे भाइयों, भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है, एनडीए के लिए मतदान करना है। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, विशेष करके माताएं बहने इतनी बड़ी संख्या में आई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो मेरे लिए शक्ति रूपेण हो, आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ, आप सभी भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज इतनी जबरदस्त निकले कि पूरे लोअर आसाम को खड़ा कर दे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।